Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है 3.10 फन विद लेटर्स। क्वेश्चन नंबर ए है, फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ग्रिड एंड इनसर्कल देम। अब यहाँ पर आपको बेटा एक ग्रिड दी हुई है, उसमें कुछ अल्फाज बाहर लिखे हुए हैं, मैन, यस, सॉरी, टैप, यू, टेबल। अब इस ग्रिड को देखिए बेटा, यहाँ पर आपको वर्ड्स को तलाशना है और उनको इन सर्कल करना है। जैसे आपको यहाँ बताया गया है यस, तो देखिए यस को इन सर्कल किया हुआ है। इसी तरह तमाम वर्ड्स को आपको इन सर्कल करना है और जिसका पहले हो जाए वो बच्चा बिंगो ऐसा करके चिल्लाएगा। द चाइल्ड हु कंप्लीट्स द ग्रिड फर्स्ट शाउट्स बिंगो। समझ में आया बेटा? अब यहाँ पर बी दिया हुआ है, लुक एंड से। अब जिस तरह आप लोग उर्दू सब्जेक्ट में वाहिद जमा करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में आपको वन एंड मैनी इस तरह करना पड़ता है। जैसे कि एक स्टार है तो आप इसको बोलोगे वन स्टार, और अगर बहुत सारे स्टार्स हैं तो आप कहोगे स्टार्स, यानी कि मैनी स्टार्स। अब यहां पर देखिए बेटा, एक कॉलम दिया हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है वन एंड मैनी, तो स्टार का मैनी में क्या हो जाएगा? स्टार्स। क्लाउड का क्लाउड्स, आपको एस लगाकर इसको लिखना है। एनिमल का हो जाएगा एनिमल्स। ट्री का हो जाएगा ट्रीज। फ्लावर का हो जाएगा फ्लावर्स। इसी तरह आपको आगे की एक्टिविटी हल करनी है और मुझे ग्रुप में शेयर करना है। बेटा मैं उम्मीद करती हूँ दोनों एक्टिविटी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो आप इसे हल करिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।